ट्रेन हादसे के बाद 38 घंटे से लगातार राहत का काम चल रहा है। बालासोर में सबसे बड़ा रिस्टोरेशन अभियान छेड़ा गया है और कई भारी भरकम मशीन्स के जरिए 1000 लोग लगातार कार्य में जुटे हुए हैं। पटरियों से सभी हादसे के शिकार बोगियों को हटा लिया गया है, जो भी क्षतिग्रस्त थी बोगियां, कुल 21 बोगियां हटाई गई। अभियान पूरी रात चलता रहा और लगातार अब भी जारी है। अब बिजली की लाइन्स को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि इस रूट पर दोबारा से ट्रेन मूवमेंट शुरू हो पाए। देखिए, 80 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं। शुक्रवार की शाम हुए इस भीषण हादसे में 2 एक्सप्रेस ट्रेन की 21 बोगियां और मालगाड़ी के 3 डिब्बे हादसे में पटरी से नीचे उतर गए थे और उन्हें नुकसान पहुंचा था। 288 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। चलिए, क्या गतिविधियां हैं इसको समझने के लिए आप सभी को हम लिए चलते हैं ओडिशा घटनास्थल पर। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, जबकि कटक के अस्पताल से जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगी अपूर्वा, हमारे सहयोगी। लेकिन ऋतिक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तेज गति के साथ ये कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि रेलों की जो संचालन प्रक्रिया है उसको बल मिल सके, वो शुरू हो सके, क्योंकि अब तक सब कुछ ठप हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, पिछले 1 घंटे में बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ती हुई ये जो रेस्टोरेशन के प्रोसीजर्स है वो हम देख सकते हैं और फिलहाल हम वहीं पर रहे जहां से हम देख सकते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, क्योंकि मलबा हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जी हाँ आशुतोष, हम हमारे दर्शकों को बता दें कि मलबा हटाने का काम पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं जितने भी बॉगीज है, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन के हो या फिर जो मालगाड़ी थी उसको हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी खासकर जरा समझिए कि ये जो दो ट्रैक है, यानी जिस पर फिलहाल ये इंस्पेक्शन वैन बाकायदा निगरानी कर रख रहे हैं, दरअसल इनका काम है दोनों तरफ से ट्रैक का मुआयना करना, उन पर निगरानी रखना, कितना दुरुस्त है, कितना और मरम्मत की जरूरत है, ये इंस्पेक्ट करती है इंस्पेक्शन वैन। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी है जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, उससे नए सिरे से शुरू करवाना है, तो उसका तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं उस इंस्पेक्शन वैन के छत पर चढ़े तमाम रेलवे के कर्मी जो फिलहाल इस बात पर बल दे रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको रिकनेक्ट कर दिया जाए। तो हमें सूत्र के हवाले से ये पता चल पा रहा है कि डाउन लाइन के ये दो जो ट्रैक है जिस तरफ कम क्षतिग्रस्त हुआ है, इनको शायद पहले शुरू कर दिया जाएगा। और हम मौजूदा हालात में कह सकते हैं कि जिस तरीके से तेजी पकड़ते हुए ये जो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है दोनों तरफ से, एक तो मलबा हटने का काम हो गया है, दूसरा बात है कई सारे जगह है तहस नहस हो चुका है, जहां से बिल्कुल शुरू से आप कह सकते हैं कि रेलवे का ट्रैक बिछाना है उसका काम भी चल रहा है। हजारों के तादाद में जो स्लीपर्स है वो लाए गए हैं और जो रेलवे का ट्रैक है वो लाया गया है उसका काम लगभग, अगर मोटे तौर पर जानना चाहें, अगर अधिकारी बता पा रहे हो तो कब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी संचालन की, इन शॉर्ट? देखिए संचालन वहीं पर बात मैं कह रहा था, हमने उनसे समझने की कोशिश की है, ऐसे में तो कोई डेडलाइन नहीं है। हमने देखा कि कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रात को भी आए थे और देर रात तक लगभग शाम नजर बनाकर रखिए।